कोरोना महामारी ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। आए दिन इस बीमारी के नए नए लक्षण सामने आते रहते हैं। ये लक्षण हमेशा ही चौंकाने वाले होते हैं। बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये कोरोना के कुछ आम लक्षण हैं। अब हाल ही में कोरोना का एक और लक्षण सामने आया है, जिसके मुताबिक लगातार हिचकियाँ आना भी कोरोना का लक्षण है। अमेरिकी जर्नल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 62 साल के एक मरीज को लगातार 4 दिनों तक हिचकी आने के बाद जब इसका कोरोना टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शिकागो निवासी इस शख्स को शुरुआत में कोरोना वायरस का लक्षण नहीं था, लेकिन ये मरीज लगातार 4 दिनों से हिचकियों से परेशान था। जब उसके फेफड़ों की स्कैनिंग की गई तो पता चला कि फेफड़ों की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि उनमें सूजन आ चुकी है, यहाँ तक कि फेफड़ों से खून भी आ रहा था। मरीज़ की जो पुरानी हिस्ट्री खंगाली गई तो ये भी सामने आया कि मरीज़ कभी भी फेफड़ों की तकलीफ का शिकार नहीं रहा था। बाद में इस मरीज़ को बुखार हो गया। जब डॉक्टरों ने टेस्ट किया तो इसकी रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई। डॉक्टरों की माने तो सिटी स्कैन से मरीजों के फेफड़े में सूजन का पता चला और सूजन ही मरीज़ की हिचकियों का कारण बनी। कोरोना वायरस में अब तक ये पहला ऐसा मामला है जिसमें हिचकी के कारण किसी मरीज को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होना पड़ा। अचानक इस तरह के मामले सामने आने के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 48 घंटे तक हिचकी आना बंद नहीं हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये एक संकेत हो सकता है आपको कोरोना वायरस की सूचना देने का। वहीं कोरोना वायरस से लड़ने वाली डाइट पर विशेष तौर पर ध्यान दें और बारिश के मौसम में खुद को बचाकर रखें, क्योंकि इस मौसम में वायरस ज़्यादा फैलते हैं, इसलिए सावधानी ही बचाव है। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।